नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे वो पटवार, रेलवे और SSC बैंक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ हानि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, लाभ हानि के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अंकित मूल्य क्या होता है या सूची मूल्य क्या होता है या MRP। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, MRP का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा लिखा हुआ होता है वो उसका क्या होता है, MRP होता है। उसके बाद में दूसरी जो बात करते हैं अपन, वो जो दोस्तों बात करते हैं वो क्रय मूल्य की, ठीक है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य की बात करते हैं, CP की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब जितना वस्तु का पैसा लगता है वो उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद में बात करते हैं विक्रय मूल्य की, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो जितने भी वस्तु बेची जाती है वो उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस होगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लाभ की। तो इसका मतलब अगर आपने कम में खरीदी और ज्यादा में बेची तो इसका मतलब वो जो है वो आपका क्या है, लाभ। और 100 पे जितना होता है वो लाभ क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। तो ये हो गया अपना प्रॉफिट की बात होगी। उसके बाद में बात करते हैं हानि की, लॉस की। तो मेरे साथियों, अगर आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा है तो इसका वो हानि होगी, वो आपका लॉस हो गया। और 100 पे जितनी हानि होती है वो हानि प्रतिशत हो गया, इनकी लॉस परसेंटेज हो गया। अब दोस्तों, इसका जो मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि इस प्रॉफिट लॉस का पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। तो वो जो तरीका है वो क्या है, अगर साथियों यहां पे ये क्या लेना है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो क्रय मूल्य अनुपात क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। समानुपात यहां पे भी क्रय मूल्य, ठीक है। अनुपात क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य अनुपात, विक्रय मूल्य, समानुपात, क्रय मूल्य अनुपात क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब ये जो पोर्शन है ना, ये 100 पे लेना है। अब 100 पे क्यों लेना है, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत के बारे में जिक्र होगा। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज, और परसेंटेज कितने पे रहता है, 100 पे। तो अब जैसे अगर अपने पास क्वेश्चन आए कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीदकर 2500 रुपए में बेचता है, तो इस सौदे में उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। तो मेरे प्यार साथियों, क्रय मूल्य है वो कितना है, 2000, और बेचा कितने में, 2500। तो 2000 उसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 2500, तो लाभ प्रतिशत चाहिए। तो यहां पे क्रय मूल्य क्या मानोगे, 100, और कितने में बेचेगा, 100 के हिसाब से, तो वो क्या हो गया, एक्स। अब इस एक्स का मान अगर 120 आए, 130 आए, 140 आए, तो इसका 100 से ज्यादा आए तो वो लाभ प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। और अगर 100 से कम आए तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब आप सब जानते हो अंदर वाले बदू का गुणा बराबर किसके होता है, भाई बदू की। तो इसका मतलब यहां पे ये हो गया 100x बराबर क्या हो गया, ठीक है, ये सॉरी 100x नहीं, 2000x बराबर क्या हो गया, 100 × 2500, ठीक है भाई। ये 2000 और x गुणा हुआ तो 2000x, और 100 × 2500, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और फिर उसके बाद 20×5 हो गया, और 20×5 हो गया तो 25×5 क्या हो गया, 125 हो गया, ठीक है। तो ये 25×5 125 हो गया। तो इसके मतलब 100 रुपए की चीज 125 में बेची। तो मेरे प्यार साथियों, यहां पे जो लाभ है, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो कितना हो गया, 25%, 25% हो गया, ठीक है। इसके बाद में तो यहां पे कुछ भी नहीं किया, 100 अनुपात x, 2000 अनुपात 2500। इसके बाद में अगर लॉस परसेंटेज की बात करें, हानि प्रतिशत की बात करें, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये 2500 रुपए में खरीद करके 2000 रुपए बेचता, तो 2500 रुपए में खरीद करके 2000 में बेचता, तो ये 2500 अनुपात 2000। तो अब यहां पे ज्यादा में खरीदा और कम में बेचे, तो यहां पे क्या करोगे, 100 अनुपात x, समानुपात 2500 अनुपात 2000, वही अंदर वाले पदों का गुणा बराबर भाई पदों के। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि 2500 × x बराबर 2000 × क्या हो गया, 100। यहां पे आप लोगों ने देखा कि 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया,
ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई और यहां पे इसका भाग दिया इसमें, तो इसका 25 × 280 है, तो x बराबर 80 आ गया, तो इसमें जो है अपनी हानि होगी और वो जो हानि होगी वो कितने परसेंट की हानि होगी, 20% की। तो अगर इस सौदे में ये पूछा जाए कि हानि का प्रतिशत कितना है तो 20% का। तो क्वेश्चन क्या था कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीद करके 2000 रुपए में बेचता है, तो इस सौदे में उस दुकानदार का हानि प्रतिशत कितना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, 80%। अगला जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में क्या आता है कि विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे दिया जाता है, अनुपात दे दिया जाता है, ठीक है, या फिर ये बोल दिया जाता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों ये 100:x, ठीक है, समानुपात अगर अपने पास किया जाए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो विक्रय मूल्य 1 है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3/4, और 3/4 हो जाएगा तो ये 4 इस साइड में चला जाएगा तो 3:4 हो जाएगा। अगर ये बोल दिया जाए कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है, तो क्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 3/4, और 3/4 हो गया तो ये 4 इस साइड में जाएगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या हो गया, अनुपात 4:3 हो गया। मेरे कहने का जैसे भी बोले अगला उस हिसाब से देख लेना है, ठीक है, 3:4 बोले, 4:3 बोल दे, 2/3 बोल दे, कुछ भी बोल दे, वही अंदर वाले पदों का गुणा बराबर किसके हो गए, बाह्य पदों के, तो इसमें 4x बराबर कितना हो गया, 300, ठीक है, और 4x बराबर 300 तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 75, तो 75% आ गया, और 100 रुपए की चीज 75 में बेचे तो इसका मतलब 25% की क्या होगी, हानि होगी। तो इस तरीके से ये अनुपात में भी हानि निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि यदि विक्रय मूल्य पर, क्वेश्चन आता है यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, या क्रय मूल्य पर लाभ क्या है, तो मेरे कहने का मतलब विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसमें भी क्या करेंगे, 100:1 क्या हो गया, एक्स, समानुपात विक्रय मूल्य 100 है और इस पे 20% लाभ है तो 120, अगर इस पे 15% लाभ है तो 115, इस पे 10% हानि तो 90, वही अंदर वाले पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों के, तो 120x बराबर क्या हो गया, 100 × 100, और 1 0 से 1 0 कट गया, इसके बाद में यहां पे काटा तो ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 5, और यहां पे काटा तो ये 3 आ गया, ये कितना आ गया 50, तो इसका मतलब x बराबर क्या आ गया, 250/3, और 250/3 का मतलब इसको कैलकुलेट किया तो 83/3 आया, और 83/3 आया तो इसका मतलब 16/3% की क्या होगी, हानि होगी। तो इस सौदे में हानि का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो कितना हो गया, 16/2/3%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते। इसके बाद में आगे जो आता है ये तो अपनी बात थी प्रतिशत की, ठीक है, इसमें अपन ने लाभ प्रतिशत निकाल लिया, हानि प्रतिशत निकाल लिया, अनुपात लिया जाए तब लाभ या हानि प्रतिशत निकाल लिया, 2/3 या 1/4 मूल्य में बेचता है उसमें भी निकाल लिया, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत दिया जाए, फिर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है वो भी निकाल लिया। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे वो चीज भी बताऊं। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक दुकानदार एक साइकिल को 1500 रुपए में खरीदकर 20% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों 100:20% लाभ पर बेचता तो कितना होगा, 120, भाई 100:20% लाभ पर बेचता तो 120, समानुपात कितने में खरीदा, 1500, और बेचेगा कितने में तो x में, विक्रय मूल्य पूछा है, तो 100:120 समानुपात 1500:x, वही अंदर वाले पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों की, तो 100x बराबर क्या हो गया, 1500 × 120, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए और यहां पे ये कितना आ गया, 1800 रुपया आ गया। तो इस तरीके से इसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना आ गया, 1800। तो किया कुछ भी नहीं, वही 100 पे लिया
20% लाभ हो तो 120, 1500 अनुपात क्या होगी x, अगर यहां पे 20% हानि होती तो कितना लिख देते 80, और वही अंदर वाले पदों का गुणा बराबर वाई पदों, तो इससे विक्रम मूल्य लेते, तो ये विक्रम मूल्य निकाल लिया अपने। अगर इसके बाद में अपने को क्रम मूल्य निकालना, कि जैसे अगर अपने को ये बोल दिया जाए कि एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर 2700 रुपए में बेचते, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर 2700 में बेचता है, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों 100 अनुपात क्या हो गया 10% हानि, तो इसका मतलब क्या हो गया 90। समानुपात क्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य क्या है 2700, ठीक है। तो 100 अनुपात 90, समानुपात x अनुपात 2700, वही अंदर वाले पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों की, तो इसका वही 90x बराबर क्या हो गया 2700 गुणा क्या हो गया 100, ठीक है। और जीरो से जीरो काट लिया, 9 + 3 = 27 हो गया, तो इस तरीके से कितना हो गया 3000 रुपया हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कितने रुपए बेचेगा 3000 रुपए, तो वही क्या हो गया 100 अनुपात 90, समानुपात x अनुपात 27, तो 90x बराबर 2700 गुणा 100, तो जीरो से जीरो काट लिया, 9 + 3 = 27, और 30 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया 3000। तो इस तरीके से अपन इसी एक ही तरीके से लाभ निकाल सकते हैं, हानि निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और भी लाभ आने के आगे के जो क्वेश्चन है वो भी अपन इसी तरीके से करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।